नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की तिकड़ी मिलकर कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ा बयान दिया। उसके बाद लगातार मलेशिया के उस वक्त के पीएम महातिर मोहम्मद ने मुसलमानों को लेकर और भारत को लेकर काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अंततः मलेशिया के प्रधानमंत्री को जाना पड़ा और उसके बाद नए प्रधानमंत्री ने भारत के साथ रिश्तों को गर्माहट दी और भारत मलेशिया के रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश की। फिर जाकर भारत मलेशिया के रिश्ते धीरे धीरे रास्ते पर आ रहे। उसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद का भारत को लेकर बड़ा बयान आया है। मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद ने माना है कि कश्मीर पर उनके बयानों के कारण भारत के साथ उनके देश के रिश्तों में तनाव आया। महातिर ने साथ ही ये भी कहा कि उनके नेतृत्व के तहत इसके अलावा दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे रहे। बता दें कि महातिर एक समय में दुनिया के सबसे लंबे वक्त तक सेवा देने वाले निर्वाचित नेता थे। महातिर ने आगे कहा कि भारत के साथ कश्मीर पर उनके बयान के चलते रिश्ते खराब हुए। उन्होंने कहा, उसके अलावा हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि मेरे नेतृत्व में भी रिश्ते अच्छे थे। उनसे जब पूछा गया था कि उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत मलेशिया के रिश्ते खराब हुए, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे, लेकिन कभी कभी मामूली गड़बड़ियों घटनाओं के कारण उस वक्त रिश्तों पर तत्काल प्रभाव पड़ा, मगर बहुत तेजी से ही हमने अपने संबंधों में ऐसे तनावों को दूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जो उनके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहले मिले थे। महातिर ने कहा कि जाहिर तौर पर हम बहुत वक्त पहले मिले थे, मैं भूल गया था, लेकिन मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले की हमारी एक तस्वीर दिखाई और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उनके साथ अच्छी चर्चा हुई थी। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में महातिर मोहम्मद ने कहा कि हम हमेशा अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, भले ही भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है, हम उससे अच्छे संबंध बनाते हैं। एक पत्रकार ने जब महातिर से पूछा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है, तो महातिर ने कहा, हाँ। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी की घरेलू नीतियां भारत की पूर्व सरकारों से भिन्न है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और मेरे ख्याल से ये अहम है कि अपने उस रुख को जारी रखे जो आपने तब लिया था जब आप स्वतंत्र हुए थे। इसके साथ ही साथ महातिर मोहम्मद ने कहा कि भारत और चीन के साथ हमारे रिश्ते एक जैसे नहीं। भारत के साथ हमें लगता है कि आप ज्यादा उदारवादी आलोचनाओं को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। मगर आप जानते हैं कि चीन ऐसा नहीं करता, उनके पास अलग प्रणाली और अलग नजरिया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन को बैठना चाहिए और इस समस्या को हल करना चाहिए। हम कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेते, हम सिर्फ समस्याओं को पहचानते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। पक्ष लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता से हटते ही महातिर मोहम्मद की अक्ल ठिकाने आ गई और उसी का नतीजा है कि महातिर के रुख में इतना बड़ा चेंज आया है।